वैलिड नंबर, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। ओ ये आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। ओके ये बोल रहा है कि जो ये नंबर है ना ये वैलिड नहीं है, कृपया चेक करें। ओके एक बार दोबारा से डायल करके देखते हैं। 6666 मतलब 3 2 3 बार 6 कॉल करते हैं। गाइस मेरे को कोई आवाज आ रही है, मेरे को एक्चुअली में कोई आवाज आ रही है। सो अभी जो तुम लोगों ने स्क्रीन पे देखा वो था एक हॉन्टेड नंबर, और अगर हम इस हॉन्टेड नंबर को अपने मोबाइल से डायल करते हैं तो हमारे साथ एक बहुत ही स्कैरी एक्सपीरियंस हो सकता है। इस तरीके के बहुत सारे नंबर्स इंटरनेट पे डले हुए हैं, और तुम लोगों ने यूट्यूब पे एक ये ट्रेंड देखा होगा जहाँ पे लोग इस तरीके के स्कैरी नंबर्स को डायल करते हैं एंड वो एक्सपीरियंस करते हैं स्कैरी चीजें अपने कैमरे के साथ एंड वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं वो एक्सपीरियंस जो उनको हुआ था ये हॉरर नंबर्स को डायल कर कर। तो ये सारी चीजें मैं खुद से एक्सपीरियंस करना चाहता था कि ऐसा सच में होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही मैं एक बार ना यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तभी मेरे को ऐसी एक वीडियो आती है, तो ये ना मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है। तो मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, इसके मैं सारे के सारे जो है ना नंबर्स निकाल लेता हूँ, उन नंबर्स को मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूँ, देन मैं वेट करता हूँ रात के 12 बजने का। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ रात के 12 बजने का, लेकिन मैंने इतनी सारी वीडियोस देख ली है ना कि मेरे को अभी लाइक थोड़ा सा डर लगने लगा है कि लाइक कि एक्चुअली में कोई ऐसा नंबर ना लग जाए जो कि बहुत डरावना हो। बट यस आई एम एक्साइटेड, लेट्स सी कि ये सच्ची में वर्क करता है कि नहीं। हे व्हाट्स अप, ओके सो अभी तुम लोग देख सकते हो अभी बज रही है 12:28, तुम लोग देख सकते हो अभी 12:28 हो रही है। सो मैं ना लिटली आज के दिन पूरे दिन वेट किया हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि इस वीडियो को मैं बनाना चाहता था बिल्कुल रात में यानी 12 बजे के बाद, और मैं ये भी चाहता था कि मैं घर में बिल्कुल अकेला हूँ जब मैं इस वीडियो को बनाऊं। सो मेरे हाथ में है 13 नंबर्स, ये 13 वो नंबर्स है जो कि आपको रात में कभी भी नहीं कॉल करने चाहिए। एंड आज के दिन हम लोग रात के 12 बजे इस पूरे घर में अकेले सारी लाइट्स बंद कर ये हॉन्टेड नंबर्स को कॉल करने वाले हैं। जब आप अपने घर में अकेले होते हो ना तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको बिल्कुल ट्राई नहीं करनी चाहिए, एंड आज के दिन हम लोग वही करेंगे। सो जैसे कि मैंने बोला, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था रात के 12 बज रहे थे एंड मेरे घर में कोई भी नहीं था एंड सारी लाइट्स मैंने बंद कर दी थी। ये एक्चुअली बहुत डरावना हो गया था उस टाइम पे, लाइक बहुत ही स्कैरी स्कैरी सा फील हो रहा था मेरे को। बट यस मैंने ये नंबर्स को डायल करना स्टार्ट किया। तो हमारा जो सबसे पहला नंबर है वो है ये 408-634-2806। ये नंबर तुम लोग को देखने में ना पहले से ही अजीब लग रहा होगा बिकॉज हमारे इंडिया में 408 इस तरीके से मोबाइल नंबर स्टार्ट नहीं होते हैं। लेकिन इस नंबर को तुम्हें इसलिए नहीं कॉल करना चाहिए क्योंकि बताया जाता है कि इस नंबर को अगर हम लोग कॉल करते हैं ना तो हम लोग रेड रूम्स में जा सकते हैं। इफ तुम लोग को नहीं पता है कि रेड रूम्स क्या होता है, तो रेड रूम्स वो होता है जहां पे ना कुछ लोग को किडनैप किया जाता है एंड फिर उनको रेड रूम में ले जाया जाता है एंड उनको किया जाता है एंड उस चीज को ना लोग लाइव करते हैं। तो रेड रूम बहुत खतरनाक चीज है जो कि डीप एंड डार्क वेब पे देखने के लिए मिलती है एंड इट इज एक्चुअली स्कैरी क्योंकि इसमें घोस्ट वगैरह नहीं है, इसमें किड एंड वैसी चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लाइक डरावनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे घर में अकेला हूं तो मेरे को ऑब्वियसली डर लगेगा इफ ये नंबर एक्चुअली में वर्क करता है, तो मेरे को नहीं चाहिए कि मैं रेड रूम में चला जाऊं। लेकिन आई एम इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। सो ये है मेरा मोबाइल, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, हम लोग इस नंबर को अभी लगाने वाले हैं 408-634-2806। ओके तो मैंने नंबर डाल दिया है यहाँ पर, तो अभी हम लोग इसको कॉल लगाने वाले हैं। मैं स्पीकर पे रखूंगा फोन को। है कॉल लगा क्यों नहीं?
मेरे नेटवर्क ही चले गए, मेरे नेटवर्क चले गए भैया अचानक से। आई डोंट नो भाई, मेरे मोबाइल में नेटवर्क थे तो पहले लाइक मैंने जैसे ही मोबाइल उठाया वैसे ही नेटवर्क चले गए, विच इज प्रीटी वियर्ड क्योंकि मेरे नेटवर्क नहीं जाने चाहिए अभी। सो आई डोंट नो, ये बहुत ज्यादा वियर्ड था। लेकिन जैसे ही मैं ये नंबर्स को डायल कर रहा था ना, मेरे मोबाइल के नेटवर्क जा रहे थे बार बार, एंड ना मैं बहुत टाइम तक वेट किया बट नेटवर्क आ नहीं रहे थे। सो मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं अपने इस कैमरे को लेता हूँ और मैं अपनी लिफ्ट में जाता हूँ एंड बिल्कुल छत के ऊपर चला जाता हूँ, कॉज मेरे को ये वीडियो रिकॉर्ड करनी थी एंड साइज छत पे सिग्नल आ जाएंगे। लेकिन गेस व्हाट, रात का 1 बज गया था तब तक एंड छत पे कोई नहीं था, तो मेरे को डर लग रहा था तो मैं नीचे आ गया। ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ बट आई डोंट नो क्या सीन हो रहा है, मेरे मोबाइल में नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं। तो यस, आई थिंक मेरे को वेट करना पड़ेगा जब तक मेरे नेटवर्क नहीं आते, अदरवाइज मैं कल मॉर्निंग में इसको रिकॉर्ड कर पाऊंगा। अभी तो नहीं आ रहे हैं भाई नेटवर्क, तो मैं एक भी नंबर पे कॉल नहीं कर सकता हूँ। ओके गाइस, लिसन टू मी, बड़ी मुश्किल से नेटवर्क आई है एंड अभी हम लोग कॉल करेंगे दोबारा से, लेट्स सी इस बार जाएगी ये कॉल। ओके, मैंने कॉल लगा दिया है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर नेटवर्क थोड़े से कम है बट नेटवर्क है, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है भाई मेरे को कॉल में से। इस नंबर पे मैं जैसे ही कॉल कर रहा हूँ ना बार बार, फॉर रियल मेरा नेटवर्क जा रहा है, मैं मजाक ही नहीं कर रहा हूँ भाई। लाइक तुम लोगों ने खुद देखा, जब मैंने ये नंबर कॉल कर रहा था ना तब नेटवर्क आ रहा था, और जैसे ही मैंने इसको कॉल पे लगाया ना तो मेरा नेटवर्क दोबारा से चले गए, जबकि भाई ये ऐसा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता नहीं है। ओके, बहुत खतरनाक तरीके से कॉल फेल्ड आया, लेकिन जितने बार भी मैं इस कॉल लाइक इस नंबर को कॉल कर रहा हूँ ना उतने बार ये फेल हो रहा है। वैसे इसमें लिखा था कि इफ तुम बहुत एक्सट्रीमली एडवेंचरर वाले लड़के हो ना तो तुम इस नंबर पे कॉल करो, तुम किडनैप हो जाओगे एंड तुम्हें ना रेड रूम में ले जाया जाएगा एंड वहां पे टॉर्चर किया जाएगा या मार दिया जाएगा या दोनों चीजें। ओके, ये थोड़ा सा लाइक स्कैरी है ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं ये नंबर पे मेरा कॉल किया और मेरे नेटवर्क चले गए, इसलिए ये थोड़ा सा स्कैरी है। ओके, फर्स्ट ये था, ये काम नहीं किया। आई डोंट नो मैं इसको क्या बोलूं, लाइक मैं कंफ्यूज हूँ बिकॉज कॉल लगा एंड वैसे ही नेटवर्क चले गए, तो ये थोड़ा सा क्रीपी है, लाइक क्रीपी तो है लेकिन कोई नहीं, अभी हम लोग दूसरा नंबर लगाने वाले हैं। ओके, जो दूसरा हम लोग फोन नंबर लगाने वाले हैं ये है 2020202020। ये जो फोन नंबर है ना ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये इस तरीके से बोला जाता है, ये यूनाइटेड किंगडम का फोन नंबर है एंड जब कोई भी इस फोन नंबर पे कॉल करता है ना तो उसको आवाज आती है हेल्प मी सूजी, सूजी बोल रहा हूँ मैं सूजी तो उसको आवाज आती है हेल्प मी सूजी इज डाइंग और हेल्प मी सूजी इज ड्राउनिंग। यार देखो मैं ना घर में फॉर रियल अकेला हूँ यार, और देखो फॉर रियल ये ऐसी चीजें करने में ना क्रीपी बन हो रहा है अभी, तो लेट्स सी इस नंबर को ट्राई करते हैं 2020202020। ओके, तुम लोग देख सकते हो ये रहा वो नंबर, मैंने डायल कर दिया है एंड अभी मैं कॉल करने वाला हूँ। ओके, कॉल एंडेड बिकॉज नेटवर्क नहीं आ रही साइड से। यस, कॉल एंड हो रहा है बार बार। आई डोंट नो भाई, मैं जैसे ही इन कॉल को लाइक लगा रहा हूँ ना भाई मेरा नेटवर्क अपने आप जा रहा है, अब मेरे को दोबारा से वेट करना पड़ेगा नेटवर्क सही होने का। ओके गाइस, तो करीब करीब 10 या 20 मिनट वेट करने के बाद फाइनली मेरे नेटवर्क वापस आ गए हैं। मेरे नेटवर्क दोबारा चले गए भाई। ओके, बड़ी मुश्किल के बाद नेटवर्क आई है। मैं यहाँ पे कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है ना, बट मैं जैसे ही कॉल लगा रहा हूँ ना उसी समय कॉल कट हो जा रहा है। तो लोग देख सकते हो 2020202020 लगा रहा हूँ, पहले एक बार कॉल रिंग हो रहा था लेकिन अभी वो सीधा कट हो रहा है। जब मेरे को नए नए नेटवर्क आए थे ना तब मैंने इस पे कॉल लगाया एंड तब रिंग सा कुछ हुआ था लेकिन कॉल पिक नहीं हो रहा था एंड अभी कॉल सीधा कट हो रहा है। तो ये जो 2020202020 है ना, मतलब 2020 जो है ना ये आई थिंक काम नहीं करता है। अभी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ जो कि है 088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 
बहुत अच्छी है। तो माना जाता है ना ये एक कर्ज फोन नंबर है, तो जो किसी के पास पे ये फोन नंबर होगा ना उसकी एक बहुत ही हॉरिफिक डेथ हो जाएगी। तो इस नंबर पे ना इस तरीके का श्राप है। तो जो फर्स्ट मैन था ना जिसने इस नंबर से सिम ली थी उसका नाम था व्लादिमीर, एंड वो ना लाइक मर गया था, उसको मतलब कि कैंसर हो गया था इस सिम को लेने के बाद। एंड जो दूसरा था वो भी मर गया था, उसको गोली मार दी गई थी स्ट्रीट पे ही। और असली चीज ये है ना कि
इसके ऊपर ना एक्चुअली में बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं। इफ तुम लोग डालोगे ना 0888 ये नंबर डालोगे ना, तो तुम लोग के पास आर्टिकल्स आएंगे जहां पर लिखा हुआ है कि एक्चुअली में लोग की डेथ हुई है इस तरीके की। इसके ऊपर ना बिलीविंग्स हैं, लोग इस तरीके के बोलते हैं कि ये नंबर ना श्रापित है। तो हम लोग पता लगाने वाले हैं इस नंबर पे कॉल करके। ओ माय गॉड, आज ना भाई मेरे हिसाब से मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगा, लाइक मेरे मोबाइल के नेटवर्क दोबारा से चले गए। बट कोई नहीं, एक बार नंबर लगाते हैं 0888 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 है। ओके अभी मैंने नंबर डायल कर दिया है, कॉल कर रहा हूँ। ओके कॉल जा रही है, ओके कॉल जा रही है, लेकिन ये वैलिड नंबर नहीं है इसलिए लाइक कॉल लग नहीं रही है। ओके सो मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं बट मेरी कॉल्स जा रही हैं, और जब मैं इस नंबर पे कॉल कर रहा हूँ ना तो ये इनवैलिड नंबर बता रहा है। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि साइज से जो गवर्नमेंट है या किसी ने भी है ना लाइक ये नंबर को बंद कर दिया हो, क्योंकि इससे जब ज्यादा डेथ होने लगी होंगी ना तो साइज से इस नंबर को भी बंद कर दिया गया होगा। क्योंकि भाई किसी को क्या पता, क्या सच्ची में ही ऐसा हो सकता है? क्या पता सच्ची में ये एक श्रापित नंबर हो, जो भी इस नंबर से सिम लेता हो ना उसके साथ गलत चीजें हो जाती हो, तो साइज से जो कंपनी है ना उसने ये नंबर ही बंद कर दिया होगा इसीलिए इनवैलिड बता रहा है अभी। ओके अभी हमारे पास नंबर है जो कि है ये। ओके तो ये नंबर है 09044444444444, पता नहीं कितने बार, तो मतलब 8 बार 4 है। इस नंबर को डायल करते हैं हम लोग। ओके ये नंबर फेल हो रहा है, ये नंबर आई थिंक लग सकता है मे बी नेटवर्क की वजह से बार बार फेल हो रहा है। ओके मेरे को वेट करना पड़ेगा नेटवर्क आने का, मैं थोड़ा हिलता चुलता हूँ साइज से नेटवर्क आ जाए। सो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि मैं जो भी नंबर्स को डायल कर रहा था ना, या तो वो नंबर्स लग रहे थे या तो वो इनवैलिड बता रहे थे, लेकिन फिर मैंने एक नंबर डायल किया जिसमें एक्चुअली में बहुत स्कैरी मोमेंट हुआ। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 666। तो तुम लोग नहीं जानते हो 666 जो है ना नंबर होता है शैतान का, तो ये एक डेविल नंबर है, तो ये नंबर ही बहुत ही ज्यादा मतलब कि स्थापित होता है। तो लेट्स सी इफ ये वर्क करता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो मैं अभी मेरे हिसाब से नहीं करने वाला है, ये भी नहीं लगेगा मेरे को। लगता है कि भाई जितने भी ये वीडियोज होते हैं ना ये ऐसे ही होते हैं। वेट मैं करता हूँ। ओके ओ ये द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। ओके ये बोल रहा है कि जो ये नंबर है ना ये वैलिड नहीं है, कृपया चेक करें। ओके एक बार दोबारा से डायल करके देखते हैं 6666 मतलब 3 2 3 बार 6 कॉल करते हैं। गाइस मेरे को कोई आवाज आ रही है, मेरे को एक्चुअली में कोई आवाज आ रही है। तुम लोगों को रोने की आवाज आ रही है? मेरे को सच्ची में आवाज आ रही है। ओके मैं तुम लोग के कुछ नहीं, तुम लोग से मजे ले रहा था मैं भी ना वो वाली एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। जैसे नहीं वो यूट्यूबर्स जो ये वीडियोस बनाते हैं ना ये नंबर्स वाली, तो वो एक नंबर डायल करेंगे ठीक है ना, मतलब 5-6 नंबर उनके लगेंगे नहीं, फिर एक नंबर लग जाएगा एंड वो उठा लेगा ठीक है ना, एंड उससे आवाज आएगी, फिर वो काट देगा, फिर दोबारा लगाएगा वो, एंड फिर उससे आवाज आती है, वो कहती है लेकिन गाइस देखो आवाज आ रही है, कोई तो है। हाँ? और लोग भाई मान भी लेते हैं वो चीज, तो मैं सोचा वही मजाक तुम लोग के साथ भी करूं मैं। ओके आई एम सॉरी, मेरे को पता है मैंने जानबूझ के ये किया था जिससे लाइक मतलब मैं तुम लोग का मजा लेना चाहता था और कुछ नहीं। सो मेरे सिग्नल्स आ रहे थे जा रहे थे आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन इसके बीच ना मैंने ये सारे नंबर्स को लाइक लिटरली 15-16 नंबर्स को ना मैंने डायल किया। मोस्ट ऑफ द जो नंबर थे ना वो लाइक इनवैलिड बता रहे थे, या तो लाइक लग नहीं रहे थे या तो लाइक कट जा रहे थे, लेकिन फिर दोबारा से एक नंबर लग जाता है। ओके मैंने ये एक हॉन्टेड नंबर लगाया एंड ये ना एयरटेल को चला गया। दिस नंबर इज 1216331810 एंड ये एयरटेल को चला गया। ओके इट्स वियर्ड कि भाई ये एयरटेल को गया क्योंकि एयरटेल का नंबर ही नहीं है ये। दोबारा डायल करता हूँ 1216331810। ओके Welcome to Airtel. Look at this. Welcome. Prepaid services. Press 1.
मैं ये हॉन्टेड नंबर को कॉल कर रहा हूँ ना, ये एयरटेल को जा रहा है। नहीं चाहिए एयरटेल कुछ। यस लाइक जो नंबर लगता है वो होता है एयरटेल का। सो इस तरीके से मैं ये सारे नंबर्स को डायल कर देता हूँ एंड कोई सा भी नंबर नहीं लगता है। ओके बॉयज, तो अभी बज रही है 2, तो मेरे को अभी करीब करीब 2 घंटे हो गए हैं जब से मैंने ये रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया है। मैंने मोस्टली सारे नंबर ट्राई कर लिए हैं, उनमें से कुछ नंबर अगर लगते हैं तो वो कोई ना कोई कंपनी के निकलते हैं एंड मोस्टली नंबर लग ही नहीं रहे हैं और ज्यादा ज्यादा नंबर इनवैलिड हैं। तो मेरे हिसाब से तो आवल से कि भाई जितनी भी ये वीडियो बनती है ना लाइक इस तरीके के नंबर्स की, वो सारी लाइक नकली होती हैं, या तो मे बी लाइक इन नंबर्स का कोई टाइमिंग होगा, लाइक उन्हीं टाइम के हिसाब से ये नंबर चलते होंगे। बट यस, आई गेस आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है रचित, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और नई वीडियो में। सी, मेरी हालत खराब होगी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, बिकॉज भाई पूरी अंधेरे में एंड इतने रात में रिकॉर्ड कर रहा था मैं। बट यस, मेरे को मजा आया। इफ तुम लोग चाहते हो मैं और चैलेंजेस करूं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मैं मिलूंगा तुम लोग को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।